घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राग यमन, आप सभी परिचित हैं इस राग से, बड़ी ही प्रचलित और बहुत ही मधुर राग है ये, जिसको हम अक्सर देखते हैं कि जब क्लासेस में हम जाते हैं तो हमको शुरुआती दौर में यही राग सिखाई जाती है। तीव्र मध्यम इसमें लगता है महज, और बाकी सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध है। तो राग यमन के कुछ हम आज पलटे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जब एक राग यमन या किसी भी एक पर्टिकुलर राग में एक ख्याल लेते हैं और फिर उसका जब विस्तार करने जाते हैं तो शुरुआती दौर में पलटे जो हैं कुछ आपको गुरुजन बताते हैं कि ये पलटों का अभ्यास करो, फिर धीरे धीरे वो पलटों की उपज हम में से ही होने लगती है। तो उस उपज तक पहुँचने के लिए कुछ पलटों का अभ्यास ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आज राग यमन के कुछ पलटे, कुछ 10-12-11 पलटे मैं आपको बता दूंगा और फिर आपको पैटर्न बताऊंगा कि कैसे उन पलटों का इजाद करना है, कैसे उनको बनाना है, है ना। तो यमन का ही बड़ा ही प्रचलित ख्याल है एरी आली, तो उसी से हम शुरू करेंगे, एक बार उसे गाएंगे एंड देन हम एक एक करके पलटों पे जाएंगे और देखेंगे कि छोटे छोटे पलटे हैं, 4-4, 8-8 मात्राओं के, और फिर हम मुखड़ा फिर से पकड़ रहे हैं, तो क्या पैटर्न रहता है, अभ्यास कीजिएगा साथ में। सखी कल न परत मोहे घरी पल छिन दिन एरियाली पियाबेन। जब से पिया परदेश गमन किनो, जब से पिया परदेश गमन किनो, रतियां कटत मोरी तारे गिन गिन एरियाली पियाबेन। अब देखेंगे इसमें कैसे एक छोटा सा पलटा जाएगा जो कि जो ताने होंगी, जो कह सकते हैं हम उसको, वो थोड़ी बल की ताने होंगी, यानी आप बार बार जो है फोर्स सुर में देके, स्ट्रेस देके फिर आप जाएंगे, जैसे कि हेरी आली गरे जमा गरे पमा गनी दा पमा गरे सा एरी। अब इसमें आपने महसूस किया होगा जो एक बल जा रहा है, गरे सा मगरे ग से सा पे आए, फिर तुरंत म पे गए, मगर पम ग, फिर प पे गए, फिर नीधा पम गर सा, ये 8 मात्रा का छोटा सा पलटा है। जैसे देखिए आप खाली से ये ख्याल उठता है जो स्थाई है इसका, एरियाली पियाबेन, है ना, ये जा रही है 1-2-3-4, 1-2-3-4 ये गति है इसकी, एरियाली पियाबेन, गरे जा मगरे पामा गनी धा पामा गरे जा, ऐसे अपन जाएंगे, लेकिन ये हम उठाएंगे सम से ताकि मुखड़ा जो है हमारा खाली पे आ सके। तो आप देख सकते हैं, एरी आली गरे जा मगरे पामा गनी धा पामा गरे जा एरी, है ना, ये हमने 8 मात्रा में ले लिया। ऐसे ही करके कुछ और चंद पलटे मैं आपको बताता हूँ, एरी आली गरे जा मगरे पामा गनी धा पामा गरे जा एरी। इसको हम कम गति में पहले अभ्यास करेंगे ताकि स्वर भी बराबर बराबर लग जाएं और फिर हम इसे आकार में भी सेम पलटे को अभ्यास करेंगे। एरी आली गरे सा मगरे पा मग नी धा पा मग रे सा एरी आली आ एरी आली आ एरी आली गगरे सा पा पा मग रे नी धा पा मग रे सा एरी। वही है पैटर्न, वही है, बल दे के जाना है एंड 8 मात्रा में बनाना है। तो क्या बनाया, गगरे सा पा पा मगरे नी धा पा मगरे सा, और यमन के चलन को हमें मेंटेन रखना है। जैसे यमन जो है षड्ज से शुरू नहीं होती, हम निषाद से शुरू करते हैं, यानी मंत्र सप्तक के, नी रे ग नी रे ग रे नी धा सा, ये यमन की कुछ स्वर संगतियां हैं, कुछ चलन है जो आप महसूस कर सकते हैं, नी रे ग म ग पा रे
निधा निरे गरे निधा सा निधा निरे गरे निरे गम परे गम धनि सा निधा प गम धनि सा नि प म रे गरे निधा सा तो पलटा है गगरे सा पा बा मगरे निधा पा मगरे सा ए रे आली अगला पलटा है गम गरे सा मा पा मग निधा पा मगरे सा गम गरे सा गम गरे सा मा पा मग निधा पा मगरे सा कैसे गाएंगे ए रे आली गम गरे सा मा पा मग निधा पा मगरे सा ए रे सा के बाद बिल्कुल भी गैप नहीं, तुरंत सा के बाद निषाद से हमको फिर से वही मुखड़ा पकड़ना है। हे रे आली आ आ आ रे आली पिया बेन अगला हे रे आली मगरे सा पा मगरे सा नीधा पा मगरे सा ए रे आली मगरे सा पा मगरे सा नीधा पा मगरे सा ए रे आली आ आ आ ए रे मगरे सा पमगरे सा निधा पमगरे सा बिना गैप के हमको जाना है। मगरे सा पमगरे सा निधा पमगरे सा ये है। अगला पलटा है पमगरे सा निधा पमग सा निधा पमग है ना पमगरे सा एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच ये हमारा जा रहा है। पमगरे सा निधा पमग सा निधा पमग हे रे आली पमगरे सा निधा पमग सा निधा पमग हे रे एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच हे रे ये आठ मात्रा में हम जा रहे हैं और आठ मात्रा की ये दुगुन में जा रहा है तो आठ दुनी सोलह होता है तो ये ऑटोमेटिकली 16 बीट्स बन रही है। पमगरे सा निधा पमगरे सा निधा पमग सा निधा पमग 16 बीट्स बन रही है तो दुगुन में हम क्योंकि इसको कर रहे हैं। ए रे आली पमगरे सा निधा पमग सा निधा पमग ए रे आली धा पमग निधा पम सा निधा पमग रे सा ए रे आली धा पमग निधा पम सा निधा पमग रे सा ए रे आली आ ए रे आली धा पम निधा पम सा निधा रे सा निधा पमग इनको आप आराम से सुनकर लिख सकते हैं अपने पास में और फिर अभ्यास कीजिए इनका। जैसे कि पिछला जो मैंने बताया ध प म ग नि ध प म सा नि ध प म ग रे सा फिर अगला है ध प म नि ध प सा नि ध तीन तीन का जा रहा है ध प म नि ध प सा नि ध रे सा नि ध प म ग है ना ग तक आना है। ए रे आली ध प म नि ध प सा नि ध रे सा नि ध प म ग ए रे आली सा नि ध प म ग रे अब ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पड़ेगा क्योंकि इसमें एक मध्य का है और दूसरा तार का सा है। सा सा नि ध प म ग रे रे सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग यहां तक तो सिंपल है। सा ये मध्य का है सा 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 सीधा तार का सा सा नि ध प म ग फिर रे 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 सा नि ध प म ग रे वापस रे तक आना है। सा सा नि ध प म ग रे रे सा नि ध प म ग रे यहां तक आपको करना है। सा सा नि ध प म ग रे रे अब दो बार रे नहीं लगेगा। सा सा नि ध प म ग रे 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 सा सा नि ध प म ग रे रे सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे रे सा नि ध प म ग रे ये शॉर्ट में आठ मात्रा में आएगा। हे रे आली सा सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे ए रे आली अगला है गरे सानी गरे सानी म गरे पा म ग गरे सानी म गरे पा म नि ध प म ग रे सा आप देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे पलटों में सप्तक का भी विस्तार जो है विस्तार हो रहा है। पहले हम मध्य सप्तक में ही थे फिर हम थोड़ा षडज भी छुआ ऊपर का ऋषभ भी हम गए तार सप्तक में और अब हम निषाद तक भी जा रहे हैं तो धीरे धीरे विस्तार हो रहा है पलटों का और ऐसे ही पहले हम आठ आठ मात्रा में ही करेंगे छोटे छोटे पलटे फिर इन्हीं का हम जो है कॉम्बिनेशन बना के बड़े पलटे भी बना सकते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही हमारे दिमाग में उपज बनेगी। गरे सा नि म ग रे प म नि ध प म ग रे सा ए रे आली गरे सा नि म ग रे प म नि ध प म ग रे सा बड़े सीधे सीधे पलटे हैं इसमें वक्र प्रयोग नहीं है कहीं भी ये सपाट आप देख सकते हैं जा रहे हैं मतलब एक तो सपाट होता है कि बिल्कुल प्लेन सीधा जाना बट एक है कि जो
फ्रेजेस भी बन रहे हैं वो भी सपाट हैं, उनमें कहीं बीच में स्वर को स्किप नहीं किया जा रहा है और वक्र भी नहीं लिया जा रहा है, यानी ग के बाद प नहीं लगाया जा रहा, ग प म प ग प म ध प म, है ना। ऐसे भी चीज़ें आएंगी लेकिन ये धीरे धीरे आगे आप समझेंगे जब करेंगे तब आएंगी। अभी हमको सपाट सिंपल जो है पलटे अभ्यास करने हैं। गरे सा नी म गरे प म नी ध प म गरे सा ए री नी प म ग ध प नी ध सा नी ध प म ग, है ना। प म ग ध प म ग ध म नी ध सा नी ध प म ग ए री आली प म ग ध प प म ग ध प नी ध सा नी ध प म ग ए रे। तो ये कुछ पलटे थे, ऐसे ही आप और भी पलटे बना सकते हैं खुद के और अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे इसमें आप बेसिक जो अलंकार करेंगे हमारे साथ साथ जो अलंकार हैं सारे गम पध नि सा नि ध प म वगैरह सा, उसको आप निषाद से शुरू करके करें तो भी आप प्रयोग ले सकते हैं उनको तानों में, जैसे नि रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, या फिर नि रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे नि रे ग म प ध नि सा, ऐसे करते वो आप सप्तक का भी विस्तार कर सकते हैं। नि रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि ध नि रे ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा। एक फ्लो बनाने के लिए हम आठ आठ के छंद में जाते हैं ताकि बीट टू बीट चलता रहे और ऑफ बीट ना हो और एक लय भी बनी रहे हमारी, है ना। इसलिए हम आठ आठ के फ्रेजेस में जाते हुए और सारे जो हैं हम अलंकार करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नि ध नि रे ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि ध रु प नि रे नि ध रु ध नि रे ग म ध नि सा नि ध प म ग नि रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग सा नि ध प प ध नि सा सा रे सा नि ध प प ध नि सा नि रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि रे ग म ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा नि रे ग म ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा नि रे ग म ध नि रे ग रे नि रे ग म ध नि रे ग रे सा नि ध प म ग रे नि रे ग म ध नि रे ग रे सा नि ध प म ग रे। ऐसे करते करते फ्रेजेज आप बनाइए और फिर उन्हें ख्यालों में आप प्रयोग ले सकते हैं। तो ऐसे ही आती रही हमारी ये जो सीरीज एक बन पड़ी है जिसमें हम अलग अलग रागों के ऐसे अलग अलग पलटे आपको बताएंगे, पैटर्न बताएंगे कि कैसे उनमें विस्तार करना है। तो देखते रहिए संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर पर आप संगीत प्रभा वर्ल्ड को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप संगीत प्रभा वर्ल्ड मास्टर निषाद की आईडी है फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल।